दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। रणवीर सिंह ने विनय के माता पिता को बुलाया और उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, जिस पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यह झूठ है, विनय हमें छोड़कर नहीं जा सकता। विनय की माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रणवीर सिंह खुद रोने लगे। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, एक माँ की भावनाएं एक बेटे के लिए क्या हो सकती हैं, लेकिन विनय ने आत्महत्या की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही दिख रहा है। सर, क्या विनय का केस यहीं खत्म हो जाएगा? चतुर गोटलेकर ने पूछा। नहीं गोटलेकर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विनय ने आत्महत्या की, लेकिन वो आधा सच है। विनय ने आत्महत्या किस कारण की, हमें यह पता लगाना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी की कोई ना कोई कड़ी हमें ज़रूर मिलेगी। तुम सक्सेना को कॉल करके पूछो कि उसने विनय की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच करी या नहीं। तुरंत ही गोटलेकर ने विजय सक्सेना को कॉल किया और विनय की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बारे में पूछा। तो विनय की कॉल रिकॉर्डिंग में से प्यून के साथ हुई 50 सेकंड की क्लिप सुनते हैं। प्यून के मोबाइल पर किसी महिला के विनय के साथ आखिर में 50 सेकंड तक बात थी। रणवीर सिंह तुरंत ही पूछते हैं, कौन है वो महिला, उसकी जांच चालू करो। और पूछताछ से पता चला कि कॉलेज के प्रोफेसर मिस श्रुति ने विनय के साथ आखिरी बात की थी। रणवीर सिंह प्रोफेसर श्रुति को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करते हैं। प्रोफेसर श्रुति, विनय ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले प्यून को कॉल किया था और बदनसीबी से प्यून की जगह आपने विनय से बात करी, आपकी और विनय के बीच क्या बात हुई थी, सोचकर उत्तर दीजिएगा और झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। सर, उस दिन मैं कार्यालय ऑफिस के अंदर पानी पीने के लिए आई। मैं पानी पी रही थी तभी विनय के मोबाइल की रिंग बजी, लेकिन प्यून वहाँ नहीं था। बड़ी देर तक रिंग बजती रही, प्यून नहीं आया, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही विनय की हाँपती हुई आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। वो मदद मांग रहा था। शुरुआत में 20 सेकंड तक वो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन बाद में, हेलो प्यून, जल्दी से Division 1 के क्लास में जाओ, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, विनय ने बस इतना ही कहा था। तब तक कॉल कट गई थी। सर, विनय को क्या ज़रूरी काम था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रोफेसर श्रुति का उत्तर सुन के रणवीर सिंह को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो तब तक अपना गुस्सा दूर नहीं करते जब तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सक्सेना, आखिर ये चल क्या रहा है, इस केस में एक के बाद एक उलझन आ रही है। हाँ सर, कोई सबूत हमें नहीं मिल रहा, अगर उसके बारे में पता चल जाए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। राधिका सर, राधिका विनय की प्रेमिका है, उसके पापा ने उसकी ना होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। कहीं ना कहीं विनय की आत्महत्या के पीछे उसी का हाथ होगा। लेकिन राधिका है कहाँ? जी सर, राधिका को खोजना शुरू करो, उसके सभी मित्रों से उसके बारे में पूछो, जिस पर शक हो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आओ। अगर राधिका के बारे में पता चल गया तो विनय का केस पानी की तरह साफ हो जाएगा, सही गुनहगार को सजा मिलेगी और विनय को न्याय मिलेगा। ठीक है सर। हॉस्टल के भीतर एक के बाद एक अजीब हाथ से विद्या को दस्तक दे रहे थे। कॉलेज का पहला दिन बोरिंग होगा, इसलिए हॉस्टल में रहकर आराम करने की इच्छा विद्या को मुश्किल में डाल देती है। विद्या बार बार दिव्य शक्तियों से बचकर बाथरूम के बाहर आकर अपने बेड पर पीछे छिप जाती हैं, लेकिन दोनों दिव्य शक्तियाँ विद्या के बेडरूम में भी आ जाती हैं। हर एक पल विद्या की धड़कनों में बढ़ावा हो रहा था। क्या करूं, इस प्रश्न के भीतर विद्या दोनों दिव्य शक्तियों से बचने का प्रयास करती है। विद्या की नज़र वो दोनों दिव्य शक्तियाँ उन पर पड़ जाती हैं। उन दोनों की ओर जाते हुए विद्या बहुत डर जाती है और चेहरे के आगे अपने दोनों हाथ की हथेलियों को बचने के लिए रख देती है। कुछ पल बीत जाने के बावजूद भी दिव्य शक्तियों ने विद्या को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया उसके साथ, इसलिए विद्या धीरे धीरे चेहरे पर से अपने हाथों को हटाती है। वो देखती है कि दोनों दिव्य शक्तियाँ उनसे दूर रुकी हुई हैं, लेकिन विद्या के भीतर बहुत डर भरा हुआ था और वो बेड के पीछे से बाहर निकलने की हिम्मत
नहीं कर रही थी, इसलिए वो बेड के पीछे छुपी रही। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वातावरण में बिल्कुल सन्नाटा था, ना बाहर से कोई आवाज़ अंदर आ रही थी, ना अंदर से कोई आवाज़ बाहर जा रही थी। सिर्फ छत पर लटकता हुआ पंखा कभी कभी आवाज़ कर रहा था। विद्या दिव्य शक्ति की यह आवाज़ कानों पर पड़ते ही फिर से डर की वजह से विद्या अपने चेहरे के आगे दोनों हाथों को रख लेती है। लेकिन दिव्य शक्तियाँ खुद की बात को आगे बढ़ाती हैं। विद्या, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी ही तरह इस कॉलेज के छात्र थे। हमें सिर्फ तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमारे पास शरीर नहीं है। अगर हमारे पास शरीर होता तो हम तुम्हारी मदद नहीं मांगते, हम तुम्हें परेशान नहीं करते। लेकिन मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं, और इस कॉलेज में मेरा पहला दिन है। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती, और मुझे आपकी मदद भी नहीं करनी है। आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं। शायद 5 बज गए होंगे, कृपाली भी कॉलेज से छूट गई होगी और अभी हॉस्टल पहुंचने की तैयारी में होगी। मन ही मन विद्या यह सोच रही थी। ठीक है विद्या, अभी तो हम चले जाते हैं, लेकिन अब कभी तुम्हें हमारी मदद की इच्छा हो तो कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में एक पत्थर पड़ा है, शायद वहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। वो बड़े से पत्थर के पास आकर सिर्फ इतना बोलना कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हारी ही नज़रों में गिरना नहीं चाहते, हम तुम्हारी नज़रों के सामने आ जाएंगे। अगर तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अगर तुम हमारी मदद के लिए इच्छुक हो तो हमें बुला लेना। इतना कहकर वो दोनों दिव्य शक्तियाँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। दोनों दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर नहीं हैं, इस बात पर विद्या अपने मन में शंका लेके घूमती है। इसीलिए वो घबराती हुई बाहर आती है और बाहर आकर चैन की सांस लेती है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।